नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 में कम पदों को लेकर अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बीच ईस्ट सेंट्रल रेलवे की एक अहम बैठक हुई, जिसमें रेलवे भर्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। सब कुछ आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक सरकारी रिजल्ट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट सरकारी रिजल्ट एग्जाम देता है यूट्यूब पर सबसे तेज और सबसे सटीक। देखिए दोस्तों, 28 जनवरी को हुई ECR की मीटिंग में जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल ने अहम बातें कही। जैसे ALP को लेकर कहा कि पद नहीं बढ़ेंगे, रेलवे नियमों के अनुसार भविष्य में पद बढ़ सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। दूसरी अहम बात कही, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से जारी होगी। अब रेलवे प्रतिवर्ष एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, इस वर्ष का एग्जाम कैलेंडर जल्द ही जारी होगा। NTPC और ग्रुप डी वैकेंसी निकाली जाएगी, कब निकाली जाएगी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन NTPC और ग्रुप डी दोनों वैकेंसी जल्द ही निकाली जाएगी। ग्रुप डी में केवल 10th पास आवेदन कर पाएंगे। रेलवे ने कंफर्म किया है कि ग्रुप डी में केवल 10th पास आवेदन कर सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी। रेलवे की जो भी वैकेंसी होगी उसमें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सबसे ऑथेंटिक, सबसे तेज और सबसे सटीक खबरों के लिए सरकारी रिजल्ट एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।